नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से ओमूराइस की रेसिपी शेयर करूंगी। ये एक पॉपड़ मील है जिसमें आपको चावल, चिकन, एग, वेजिटेबल सभी मिल जाते हैं। एक जापानीज रेसिपी है, इसे मैं बहुत इजी तरीके से आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं ओमूराइस बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे एक बाउल राइस। ये हमारे रेगुलर वाला राइस नहीं है, इसे मैंने अमेजोन से मंगवाया। इसे आप सूसी राइस के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, ये आपको आसानी से अमेजोन में मिल जाएगा। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, नहीं तो आप इसके जगह रेगुलर वाले राइस से भी बना सकते हैं। और हमने लिया है यहाँ पे 4-5 मशरूम, कटिंग हमने ऐसा किया है। येलो कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम और रेड कैप्सिकम हमने आधा आधा लेके और जिसके हमने ऐसे टुकड़ों में चॉप करके रखा हुआ है। एक गाजर जिसके हमने टुकड़े करके रखा हुआ है। स्प्रिंग अनियन के जो व्हाइट वाला पार्ट है वो हमने 2 अनियंस को चॉप कर लिया है। और हमने लिया यहाँ पे 250 ग्राम बोनलेस चिकन जिसे हमने ऐसे टुकड़ों में काट के रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच बटर, बटर जब हमारा मेल्ट हो जाए तो सबसे पहले हम डालेंगे चिकन, चिकन को हम हल्का कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। अभी इसमें हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, बस चिकन को हम 4-5 मिनट फ्राई कर लेंगे। 2-3 मिनट हो गए चिकन को हमें फ्राई करते हुए। थोड़ा सा इस तरीके से पेस्ट में जगह बना लेंगे। 4-5 लहसुन को हमने क्रश कर लिया है, डाल देंगे। तीन हरी मिर्च चॉप कर लिया है, ये भी डाल देंगे। और अच्छे से हम तीनों चीजों को फ्राई करेंगे। 4-5 मिनट हो गए हमें सभी चीजों को अच्छे से फ्राई करते हुए। अब हम यहाँ पे नमक ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, नमक आप अपने स्वाद अनुसार लीजिएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे एक बार। साथ ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे कटे हुए प्याज, मिला लेंगे। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएंगे। प्याज डालने के बाद हम यहाँ पे सभी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम हाई करके हम सभी चीजों को मिलाते हुए 3-4 मिनट फ्राई करेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप देखिए वीडियो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ऐड करेंगे हम 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच मिला लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट के साथ अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, बस हमें सभी चीजों को अच्छे से फ्राई करना है। तो 3 से 4 मिनट हम फ्राई करेंगे हाई फ्लेम में और बीच बीच में हम चलाते भी रहेंगे। फ्रेंड्स, हमने 3-4 मिनट सभी चीजों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसे हमने बिना कवर करे बीच बीच में चलाते हुए फ्राई किया है।
सभी चीजें हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसी स्टेज में ऐड करेंगे 4 चम्मच टमाटो सॉस। अच्छे से मिला लेंगे एक बार। इस रेसिपी में सभी वेजिटेबल्स थोड़ा सा क्रंच रहते हैं, इसलिए इससे ज़्यादा हम इसे और फ्राई नहीं करेंगे, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है हमें। अच्छे से जब टमाटो केचप मिक्स हो जाए तब हम इसमें राइस ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमें मिक्स करना है। अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे से राइस जब हमारा मिल जाए तब हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ स्प्रिंग अनियन। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तभी आप ऐड करें। देखिए अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे फिर से। और राइस मिलाने के बाद हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस एक ही मिनट हमें इसे मिक्स करते हुए चला लेना है। अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम बंद और इसे हम एक बाउल में सर्व कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है। राइस को हमने निकाल लिया है, एक बाउल ले लेंगे हम। इसमें हम इसे ट्रांसफर करेंगे। अच्छे से इस तरीके से प्रेस करेंगे। देखिए अच्छे से हम इसे प्रेस कर लेंगे। ये जो बाकी बचे ओमुराइज है इसे हम दूसरे बाउल में शिफ्ट करेंगे। इसे हम साइड में रख देते हैं। अभी भी हमारा एक स्टेज बाकी है ओमुराइज का। एक हम बाउल ले लेंगे और लेंगे हम 3 अंडे जिसे हम तोड़ के बाउल में शिफ्ट करेंगे। तीनों अंडे को हमें तोड़ लेना है। ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, यानी चुटकी भर नमक, और इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। लीजिए, इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमने फिर से एक पैन ले लिया है, गैस का फ्लेम ऑन करके इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच बटर। बटर को हम मेल्ट हो जाने देंगे पहले। जब पैन हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो डाल देंगे जो अंडे का घोल है उसे। ऑमलेट को हमें अच्छे से सेक लेना है। देखिए इस तरीके से कुछ सेकेंड हम वेट करेंगे, अच्छे से ये सिक जाएगा, क्योंकि ऑमलेट को हमें पलटना नहीं है, एक ही तरफ हमें अच्छे से सेक लेना है। कुछ ही सेकेंड में ये अच्छे से सिक गया है तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ऑमलेट हमारा रेडी है। एक हम प्लेट ले लेंगे और ये जो ओमुराइज है इसे हम इस तरीके से पलट लेंगे।
सावधानी से उठाएंगे बाउल को, लीजिए ये जो ऑमलेट है इसे हम इस तरीके से कवर कर देंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे ओमोराइस बनके रेडी है। तो फ्रेंड्स, आज का रेसिपी कैसा लगा, ट्राई कीजिए, फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। और अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे नीचे दिए गए मेरे चैनल के लोगो में आप क्लिक कर सकते हैं। और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। और मेरे चैनल के दूसरा वीडियो देखने के लिए आप अपने राइट में क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।